बैठ जाओ यहीं पर बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। ईमान तो रखना चाहिए, लेकिन दूसरे के सम्मान के साथ यदि ईमान रखते हैं तो आपका मान दुगना हो सकता है। दूसरे के मान करने से, सम्मान करने से भी हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण और उत्पन्न सम्यक दर्शन विकास की ओर बढ़ता है ये भी कहा गया है। वह वात्सल के रूप में, अनुकंपा के रूप में और किसी प्रकार के आश्रय आदि देने की अपेक्षा से, तो यह तीन इंच गतियों में भी परंपरा चलती है, चली है। आप समझते होंगे मान सम्मान इत्यादि केवल मनुष्यों में ज्यादा है। हाँ, मान सम्मान के योग्य कार्य तो कम करते हैं तो मान ही ज्यादा चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर रूढ़ हुआ है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि तीन इंच गति में भी वह चलती है परंपरा। देखने को तो इसलिए नहीं है कि वह जंगल में ही घटित होता है, इधर नहीं आ पाते वो प्राणी। सिंह होता है और उसका भी अपना परिवार रहता है। अब परिवार रहता है तो जो नर मादा के रूप में रहते हैं सिंह सिंहिनी, वे अपने परिवार को अपने ढंग से पल्लवित करते रहते हैं। अब गर्भवती सिंहिनी हो गई मान लो, उसको लेकर के यहां पर चित्रण किया जा रहा है। वह सिंह भी उसका संरक्षण करता है और सिंहनी स्वयं भी गर्भस्थ शिशु का वो पालन पोषण करती है। उसके योग्य वह खुराक आदि ढूंढती है और ये सिंह भी ढूंढ ढूंढ करके लाता है, खिलाते हैं, पिलाते हैं, निगाह रखते हैं। सिंहनी विशेष सिंह के भी निगाह रखती है और सिंह भी विशेष सिंहनी का भी वह निगाह रखता है। तो निगाह तो समझते हैं आप लोग, तो उसके लालन पाचन करने की अपेक्षा देख रेख जिसको बोलते हैं, देख रेख करते रहते हैं। तो सिंह उसके लिए कोई तकलीफ आदि ना हो ये तो है ही, लेकिन उसके पीछे दूसरा और भी विशेष बात है। सिंहनी भी हमेशा हमेशा अपना जो पति है कहाँ कहाँ पर जाता, कैसे कैसे जाता, वह भी निगाह रखती रहती है। दोनों आपस में समझते भी होंगे कि एक दूसरे के निगाह में एक दूसरे हैं, ऐसा न समझो कि हम ही अपनी रख रहे हैं। दूसरे वाला ये शतरंज के खेल आपने देखा होगा, हाँ, तो वह अपने संरक्षण के साथ दूसरे के ऊपर वार करना होता है,
आक्रमण करना होता है। आप तो पर के ऊपर आक्रमण ही ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन आत्म संरक्षण उस खेल में और ज्यादा आवश्यक है। ये ध्यान रखें कि हमारी जो सेना है वह सामने है और हमारे निगाह में तो बहुत जल्दी आती है, वहाँ सामने वाले की भी तो सेना हमें आती है, लेकिन कहाँ कहाँ से कौन से घर से कौन कौन इधर वार कर सकता है वह बहुत कठिन होता है, वह विपरीत दिशा में रखे रहते हैं। अब देखो जैसे जैसे वह गर्भवती हुई तो वह दोनों इस ढंग से चल रहे हैं, आत्मरक्षण और पररक्षण के साथ। जब बिल्कुल ही प्रसूति के दिन पास आ जाते हैं तो विशेष यह निगरानी और ज्यादा हो जाती है। फिर भी सिंह ने इसमें परिवार को सुरक्षित रखने की अपेक्षा से विशेष रूप से वह उसका संरक्षण गर्भ का रखती रहती है, और सिंह जो है इसको चाहता नहीं। क्या हुआ? हाँ, परिवार नियोजन होता नहीं आप लोगों की, हाँ नहीं समझे परिवार नियोजन। तो सिंह जो है उसको समाप्त करना चाहता है, सिंहनी को नहीं किंतु गर्भस्थ शिशु को। उनको भी ज्ञात होता होगा कि यह लड़का होने वाला है कि लड़की हाँ। तो वह सिंह ने कुछ दिन पूर्व से ही कहां पर प्रसूति करना देना है बच्चे को जन्म, तो निगाह रखती थी और ऐसा स्थान कम से कम प्रसूति के बाद में और प्रसूति पूर्व में भी कुछ समय वहीं पर हम रह सकें, लेकिन अज्ञातवास में रह सकें। रख दिया, प्रसूति हो गई। अब प्रसूति के बाद वह दो तीन मान लो शिशुओं को उसने जन्म दे दिया। तो दो स्थान बना करके रखती हो, दो तो दिखाएंगे जो बच्चियां हैं जिसको मुन्नी जिसको बोलते हैं आप लोग, और लड़का हुआ मुन्ना उसको उसको छुपा करके रख देती। मतलब राजकुमार का एक प्रकार से संरक्षण वह पत्नी करती थी रानी, किंतु राजा इस पक्ष में नहीं रहता था, क्योंकि जो लड़का हुआ है कुमार जिसको बोलते हैं आप, तो वह इस वन का राजा बनेगा। सुन रहे हो? अपनी सीट सुरक्षा कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार से वह मोह नहीं करता, और परिवार का विकास की अपेक्षा से वह सिंह ने उसको तलाश बहुत करता रहता है, लेकिन ठिकाना नहीं मिलता। अब जब वह बड़ा हो गया तो फिर सामने आ गया तो पूछा कि कैसे है तुम कहां रखे थे इसको? रखना पड़ता है, क्योंकि यहां पर
वो उसकी परिकल्पना अथवा योग्य व्यक्ति की संरक्षण की बात दो होती हैं। तो राजा वही हो सकता है जो राजा के योग्य कार्य करे, मतलब उस सिंह के माध्यम से भी आप लोगों के लिए विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्रिमंडल के योग्य प्रवेश के योग्य दोनों, राज्यसभा के भी सदस्य, नहीं समझे, ये जैसे व्यवस्था आप लोगों में है वैसी व्यवस्था वहां पर भी चलती रहती है, बहुत सुयोग्य चलती रहती है। वन में ऐसा कोई भी व्यक्ति घुस नहीं सकता, और वन के जो है ना पेड़ पौधे काटने के लिए कोई आ जाए तो वह तैयार हो जाएंगे फौज। इस प्रकार वन की रक्षा शेर आदि के माध्यम से होते हैं, और शेर की रक्षा वन में जो वृक्ष है घना, तो उसके कारण उनकी रक्षा हो जाती है। ये संरक्षण की और संरक्षित की दोनों की वह परंपरा आज की नहीं बहुत दिन की है। जब ये ज्ञात हुआ कि यहीं पर था लेकिन उसको इस ढंग से रखे थे तो उसमें हवा भी नहीं पहुंच सकती, पानी नहीं पहुंच सकता, और वो कोई व्यक्ति के निगाह में या और कुछ नहीं है, कुछ होगा। सेना की रक्षा के लिए वर्दी तो रहती है लेकिन वनस्पति के पोशाक पहनाव जैसे लगता उनका, ऐसा क्यों? जंगल में रहना होता है और वह कोई टहनी होगी, शाखा होगी, नहीं समझे, पेड़ पत्ते के जो है फूल फूल इत्यादि को होंगे, ऐसा रहता तो है वह सेना एक सदस्य के रूप में, लेकिन दूर से देखेंगे तो वो पेड़ है, वो है, ये है। इसी प्रकार उन लोगों ने इसको रक्षित किया था। ये ऐसा क्यों होता है? अपने परिवार का रक्षण तो आवश्यक है, लेकिन परिवार का रक्षण होते हुए भी वह राजकुमार के योग्य है क्या नहीं, यह रखना चाहिए, आवश्यक है। किंतु माँ जो होती है संतान का पालन मुख्य है, किंतु बाद में वह राजकुमार और रानी वो बाद में देखा जाएगा, ऐसा होता। इस पाठ से हमने यह कि यह मनुष्यों को उससे सीख लेना चाहिए, जो आज अराजकता हो रही है, सब बन तो जाते हैं, शपथ तो लेते हैं, लेकिन शपथ लेने के उपरांत भी वह ऊंसा ही जैसा लगता है, ऊपर ऊपर जैसा ही है, लेकिन तिरंचों में कभी भी ऊंसा ही नहीं होती है। यह राजनीति उस मृगेंद्र से सीख लेना चाहिए। वो मृगेंद्र कहता है हम इस वन के रक्षक मुख्य रूप से राजा के रूप में हैं, तो हमारे वंश में ऐसा कोई भी व्यक्ति न निकले तो अपने स्वार्थ की ओर चला जाता हो। वो भी जंगल को ही सुरक्षित रखते हैं, परिवार को सुरक्षित रखते हैं, तो अपना ही परिवार नहीं पूरा जंगल ही परिवार समझ करके चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो कहावत है कि वसुधा मैंने धरती ही अपना परिवार कुटुंब होता है, ऐसा समझना बहुत विशालता की आवश्यकता है। आज अपने और कुछ धन धान इत्यादि की विशालता तो आप चाहते हैं, लेकिन नीति न्याय के अनुसार चलने वाले संतान की विशालता, उसको पल्लवित करने का भाव आदि स्वार्थ के साथ तो हो जाते हैं, इन परमात्मा के साथ होना चाहिए। भारत की नीति में यह बहुत मद्देनजर रख कर के
इसका पालन पोषण किया गया है। आज चूंकि लोकतंत्र होने के कारण उसमें कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं, यही निश्चित है। परिवार है, बड़ा छोटा होता रहता है, उसमें कमियां आना स्वाभाविक है। लेकिन पानी में यदि मान लो काई होती है, तो उस काई को होने के कारण कुछ साफ सफाई भी होती है। साफ सफाई कैसे है, तो ऊपर से जो है इधर उधर की कूड़ा कचरा नहीं आ पाता, थोड़ी सी काई जम जाती है। लेकिन काई को दूर करने के भी उपाय होते हैं, जिसके द्वारा पानी नीचे का साफ सुथरा निकलता है। उसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए, जिसमें खर्च करना है उसमें ज़्यादा व्यय करो, ज़्यादा नहीं करो तो यथोचित व्यय करो, किंतु जिसमें व्यय करना ही नहीं है उसको व्यय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपव्यय की कोटि में चला जाता है। तो यह संग की हमने कथा पढ़ी थी, आपके सामने रखी, अच्छी लगी तो रख लेना और पालन कर लेना। अहिंसा परमो धर्म।